वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम रोटेशन चैप्टर को रिवाइज करेंगे और उन कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे जिनके अराउंड ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं इन एनडीए एग्जाम। एट द एंड ऑफ दिस वीडियो यू शुड बी एबल टू एक्सप्लेन कि हेलीकॉप्टर आउट ऑफ कंट्रोल कब हो जाता है, वो बिना मतलब के रोटेट करना क्यों शुरू कर देता है। ओके, द होल कॉन्सेप्ट इज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। बट वो सारी बातें तब समझ में आएंगी अगर हमें रोटेशन के थोड़े से कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, टर्म्स एंड फॉर्मूला। लेट्स सी, फर्स्ट ऑफ ऑल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जैसे लीनियर मोशन में इनर्शिया डिपेंड करता है मास के ऊपर, जिसका जितना ज्यादा मास उतना ही उसके मोशन को चेंज करना डिफिकल्ट होता है। सिमिलरली रोटेशनल मोशन में होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मतलब जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा उसका उसकी रोटेशन को चेंज करना उतना ही डिफिकल्ट है। ओके, देन सिमिलर टू मोमेंटम, मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी, मास की रिप्लेसमेंट करता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वेलोसिटी की रिप्लेसमेंट करता है ओमेगा। एज यू कैन सी हियर इन लीनियर मोशन मोमेंटम इज एम वी, इन एंगुलर मोमेंटम एंगुलर इन रोटेशन एंगुलर मोमेंटम इज आई ओमेगा, आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसके बारे में भी बाद में डिस्कस करते हैं। ओके, अदर एक्सप्रेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज एम वी आर। जैसे लीनियर मोशन में होता है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, वैसे ही मास की जगह आ जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक्सीलरेशन की जगह आ जाता है अल्फा, सो टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। नेक्स्ट, जैसे लीनियर मोशन में होता है फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डीपी बाई डी टी, वैसे ही इसमें टर्म होती है टॉर्क इज इक्वल टू डीएल बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज टॉर्क। और लीनियर फोर्स और एंगुलर टॉर्क आपस में रिलेटेड भी होते हैं, टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। जैसे आपने प्रीवियस लेक्चर में स्पैनर के बारे में सुना भी था कि आर डिस्टेंस इंक्रीज करने से कम फोर्स लगाने पे भी उस चाबी से हम नट को खोल इजिली खोल पाते हैं, रोटेट कर पाते हैं। ओके, कुछ मेन मेन फिगर्स के मोमेंट ऑफ इनर्शिया देख लेते हैं ताकि थोड़ा सा आइडिया आ जाए हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता क्या है। अगर एक रॉड अपने मिड वाली एक्सिस से घूम रही है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है मास इनटू लेंथ स्क्वायर बाय 12, और अगर वो एज से घूम रही है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एम एल स्क्वायर बाय 3। तो आपने देखा कि दूसरे केस में मास दूर चला गया है एक्सिस से, जैसे ही मास ज्यादा दूर चला गया है एक्सिस से मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया है, एम एल स्क्वायर बाय 3 इज मोर देन एम एल स्क्वायर बाय 12। ओके, इस केस में भी देख लो, सॉलिड स्फीयर में होता है 2/5 mr स्क्वायर, और हॉलो स्फीयर में स्फेरिकल शेल में होता है 2/3 mr स्क्वायर, ना 2/3 इज मोर देन 2/5। ऐसा क्यों है? क्योंकि शेल में सारा मास दूर है, सरफेस पे है, और स्फीयर में अंदर से लेके बाहर तक मास है, तो थोड़ा सा रिलेटिवली क्लोजर है इन केस ऑफ सॉलिड स्फीयर, सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज लेस। रिंग हुप, इसमें अगर एक्सिस उसके थ्रू पास कर रही है देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज एम आर स्क्वायर, अगर डायमेट्रिकली पास कर रही है देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज एम आर स्क्वायर बाय 2। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा मास क्लोजर आ गया है एक्सिस से, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हैज बिकम लेस, हाफ एम आर स्क्वायर। तो सिंपल सी बात क्या है कि अगर मास नजदीक आ जाता है एक्सिस से तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाता है कम, अगर मास दूर चला जाता है एक्सिस से तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाता है ज्यादा। जैसे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सिंपल पार्टिकल जो कि आर डिस्टेंस पे इस एक्सिस के अराउंड घूम रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर। तो यहाँ पे सीधी सीधी सी बात क्लियरली पता चल रही है कि जैसे ही रेडियस बढ़ेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा, मतलब अगर मास एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर चला जाएगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा, अगर मास नजदीक आ जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाएगा। अच्छा, एक और बात समझो, ड्यू टू सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन टॉर्क इज ऑलवेज जीरो। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज सेंट्रीपिटल फोर्स इज टूवर्ड सेंटर। ओके, टूवर्ड सेंटर है, इट मीन्स इट इज अलोंग रेडियस। ओके, टॉर्क इज आर क्रॉस एफ, आर एफ साइन थीटा। ओके, इसका मतलब अगर आर और एफ दोनों सेम ही लाइन पे आ गए टॉर्क विल बिकम जीरो। ओके, सेंट्रीपिटल फोर्स से कभी भी कोई टॉर्क नहीं आती है। सिंस टॉर्क इज इक्वल टू डीएल बाय डीटी,
अगर बाहर से कोई टॉर्क ही नहीं लग रहा है, जैसे कि सर्कुलर मोशन में हमने देखा कि सेंट्रीपिटल फोर्स कोई टॉर्क ही नहीं लगा रही, देन एंगुलर मोमेंटम मस्ट बी कंजर्व्ड, ओके? सिंस डेरिवेटिव तब जीरो होता है जब कोई वैल्यू कांस्टेंट हो, इट मींस एल इज कांस्टेंट। इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल टॉर्क एंगुलर मोमेंटम मस्ट बी कंजर्व्ड। फॉर ऑल द प्लैनेट्स व्हिच आर रिवॉल्विंग अराउंड सन, केपलर गेव हिज फर्स्ट लॉ दैट इट मस्ट बी एलिप्टिकल पाथ। अब एलिप्टिकल पाथ में कभी रेडियस ज्यादा हो जाता है, कभी रेडियस कम हो जाता है, ओके? एंगुलर मोमेंटम इज एम वी आर। इसका मतलब जब रेडियस ज्यादा हो जाएगा इट विल बिकम स्लो, वेलोसिटी विल बिकम लेस, एंड व्हेन रेडियस बिकम्स लेस वेलोसिटी मस्ट इंक्रीज। जब अर्थ सन से दूर चली जाती है तो वो स्लो हो जाती है, और जब सन के पास आ जाती है तो फास्ट हो जाती है, ओके? सो लेट्स चेक दिस ब्लू एरिया। दिस एरिया शुड बी इक्वल। नाउ दिस इज केपलर सेकेंड लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन, दैट एरियल वेलोसिटी ऑफ ए प्लेनेट शुड बी कॉन्स्टेंट, विच मीन्स अगर वो पास है तब भी उतना ही एरिया कवर करेगा, अगर वो दूर है तब भी उतना ही एरिया कवर करेगा, अगर वो फास्ट हो जाता है तब भी उतना ही एरिया कवर करेगा, अगर स्लो हो जाता है तब भी उतना ही एरिया कवर करेगा इन इक्वल टाइम। फॉर लेट्स से दिस इज द डिस्टेंस कवर्ड इन 2 मंथ्स, ओके? अगर 2 मंथ में यहाँ से यहाँ तक पहुंचा है, स्लो स्पीड थी, इतना एरिया कवर किया, इधर भी 2 मंथ में उतना ही एरिया कवर करेगा, डिस्टेंस विल बी मोर बिकॉज हियर इट्स स्पीड इंक्रीजेस, राइट? बट एरिया शुड रिमेन सेम। नाउ दैट केपलर्स सेकेंड लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन इज ऑल्सो बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब समझते हैं बच्चे एंगुलर मोमेंटम का स्पोर्ट्स में क्या काम है। तो हाउ दे आर यूजिंग एंगुलर मोमेंटम इन देयर स्पोर्ट्स, उस चीज को समझते हैं विद हेल्प ऑफ सिंपल एग्जांपल इन फिगर स्केटिंग। तो इसमें क्या होता है, एल इज इक्वल टू आई ओमेगा, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू आई ओमेगा। दे कैन एडजस्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया टू एडजस्ट देयर एंगुलर स्पीड। ओके, दिस बिकॉज अपना एक्सिस से मास कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है वो उनके खुद के हाथ में है। इन दिस केस द मास गोज अवे फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज लार्ज, एंगुलर स्पीड इज हियर स्मॉल। ओके, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैन बी एडजस्टेड बाय ब्रिंगिंग आर्म्स एंड लेग्स क्लोजर टू द बॉडी। जैसे ही आर्म्स एंड लेग्स क्लोजर आई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो गया और एंगुलर स्पीड इंक्रीज हो गई, बिकॉज एंगुलर मोमेंटम शुड बी कंजर्व। स्प्रिंग बोर्ड डाइविंग में भी बच्चे वो अपने मास को कॉन्ट्रैक्ट करके, लाइक हियर बाय कॉन्ट्रैक्टिंग द मास नियर द एक्सिस ऑफ रोटेशन, दे आर इंक्रीजिंग एंगुलर स्पीड ऑफ रोटेशन एज यू कैन सी हियर। जस्ट बिफोर एंटरिंग द वॉटर यू कैन सी दे विल स्ट्रेच देयर बॉडी अगेन टू डिक्रीज एंगुलर स्पीड। अगर वो अपनी बॉडी को ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे तो रोटेशन बहुत ज्यादा नहीं होगी, एज यू कैन सी इन दिस टाइप। ओके, दे डिड नॉट कॉन्ट्रैक्ट देयर बॉडी अलॉट, सो आई डिड नॉट डिक्रीज, ओमेगा डिड नॉट इंक्रीज अलॉट। ओके, बाई डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया द प्लेयर्स आर एबल टू एडजस्ट देयर एंगुलर स्पीड ऑफ रोटेशन। आई होप नाउ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड वाई एंगुलर स्पीड गेन्ड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाइव्स इज डिफरेंट। ओके, बिकॉज द वे दे एडजस्ट देयर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन डिफरेंट डाइव्स इज डिफरेंट। इफ दे ब्रिंग द मास क्लोजर टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंगुलर स्पीड विल बी मोर, बट इफ दे डू नॉट ब्रिंग देयर मास क्लोजर टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंगुलर स्पीड विल बी लेस। ओके, दैट इज हाउ दे यूज कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ओके, लेट्स कम बैक टू द डिस्कशन ऑफ हेलीकॉप्टर्स, हाउ एंगुलर मोमेंटम इज यूज इन दैट केस, और हाउ द स्टेबिलिटी ऑफ हेलीकॉप्टर इज मेंटेन्ड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेलीकॉप्टर्स।
When the helicopter begins its flight, the rotor starts rotating. We must understand that there is no external torque. The engine is inside that helicopter. Okay, in absence of external torque, it cannot change its angular momentum. Initially, its angular momentum is zero because it is resting. Okay, so when blade starts to rotate, these blades, they gain angular momentum. Okay, but overall, the helicopter cannot gain any angular momentum. So what happens? To balance the angular momentum, the rest of the body of helicopter tends to rotate in opposite direction with same angular momentum, so that overall angular momentum remains zero. Okay, in absence of external torque, angular momentum must remain same. If initially it was zero, now also it should remain zero. So this is natural tendency of helicopter to gain in opposite direction, to gain rotation in opposite direction. To balance its unnecessary rotation, there is this fan at the tail of helicopter, okay, which prevents its unnecessary rotation. This is called a rotor. If the tail rotor stops rotation, then the helicopter loses its stability and it starts rotating like this, because it has to maintain overall angular momentum zero. All the helicopters do not use same mechanism. Most of them use a fan on their tail to maintain their stability, but not all of them. For example, this one is using multiple blades. This one is using multiple blades. This one is using coaxially multiple blades. As you can see in this helicopter, the tail rotor is preventing its rotation. In this helicopter, there are coaxially two blades, two set of blades. If one of them is rotating anti-clockwise, the other is rotating clockwise, so that when both of them gain angular momentum, both of them gain equal and opposite. Overall angular momentum gained by this will be zero. So here angular momentum is conserved. In this case, there are two sets of blades, but they are not coaxial. One is on one end and the other is on other end. If one of them is rotating clockwise, other one will be rotating counterclockwise, so that overall angular momentum is always zero of this helicopter. So that is how this maintain its stability. I hope you enjoyed watching this video, and I hope you have clarified some important points.